गाइस वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। और आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ये बेसिकली मेरा दुबई शॉपिंग हॉल वीडियो हो रहा है। सो आप लोग लास्ट टाइम मैंने जब सिंगापुर शॉपिंग हॉल किया था, आप लोग ने मुझे बहुत सारे टेक्स्ट सेंड किए थे कि बहुत अच्छा है, सो टू डू मोर ऑफ शॉपिंग हॉल वीडियोज। सो मैं उसके बाद दुबई गई थी एंड आपने देखा मेरा दुबई सीरीज। सो ये बेसिकली लास्ट वीडियो है एंड आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ जो जो भी मैंने खरीदा है फ्रॉम दुबई। थोड़ा बहुत चीजें खरीदा है, सो बेसिकली होने जा रहा है मेरा दुबई शॉपिंग हॉल वीडियो। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ना ही ये शो ऑफ है और ना ही ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये सब मैंने और सौरभ ने जो जो भी सेविंग्स किया है एंड वहां पे जाके जो जो भी मैंने हम लोग ने खरीदा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए इस दुबई शॉपिंग हॉल व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो पहला चीज जो मैं दिखा रही हूँ इन दिस दुबई शॉपिंग हॉल वो है सेफोरा। सो मैं फर्स्ट डे सेफोरा गई थी एंड सेफोरा से बहुत सारा कुछ शॉपिंग की थी। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारा सामान मेरा यूज करने वाला है। सो पहले मैंने खरीदा हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन जो कि है दुलेश दिलीज, जो मेरा शेड है 350G। सो मैंने दो खरीदा क्योंकि मुझे स्टॉक अप करना बहुत पसंद है। ऑलरेडी एक यूज में चल रहा है क्योंकि मैंने एकदम खत्म हो गया था फाउंडेशन, सो आई हैव टू बाय एनीवे। सो मैं एक यूज करी हूँ ये वाला एंड ये वाला नया है, ये मैं स्टॉक में करी हूँ क्योंकि फिर कब जाऊँ कब मिले, इस वजह से मेरे को एक स्टॉक करना पसंद है बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। सो ये मैंने फाउंडेशन लिया है। एक मैंने हुडा ब्यूटी का ही बेकिंग पाउडर लिया है जो मैं यूज करती हूँ। उसके बाद मैंने ये मेकअप वाइप रिमूवर, दो टिश्यू बॉक्स ली थी, एक ऑलरेडी यूज कर रही हूँ एंड ये एक बचा हुआ है। एक्चुअली ऑलरेडी 2 months हो गया है दुबई से घूम के आते, मैंने आ गई हूँ मैं, सो इसीलिए बहुत कुछ ऑलरेडी यूज में है क्योंकि मैं जैसा बोली थी ऑलमोस्ट सभी मेरा मेकअप एंडिंग के मतलब एंड होने वाला था। सो जब मैं दुबई गई तो मैं बहुत कुछ मेकअप का खरीदी हूँ। एक है ये नार्स का मैंने ब्लश ऑन खरीदा है, ये भी अभी यूज में चल रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको शेड दिखा देती हूँ नार्स का, ये तो ऑलरेडी यूज में चल रहा है। सो बेसिकली दिस इज द शेड, ये ब्रॉन्जर कम ब्लश ऑन है, सो ये मैंने लिया है। देन वहां पे एक ऑफर चल रहा था हुडा ब्यूटी का आई डुओ बोल के, जो ऐसा दिखता है बेसिकली। सो यहाँ पे आपका एक मस्कारा है एंड आई थिंक काजल आई लाइनर है, हाँ। सो इट्स अ कॉम्बो बेसिकली, सो ये मैंने लिया। ये ऑफर में उस टाइम को चल रहा था, सो आई पिक्ड इट अप क्योंकि मुझे पसंद है। मैंने लिया है विशफुल का, ये हुडा ब्यूटी का ही स्किन केयर ब्रांड, हुडा ब्यूटी का विशफुल। सो ये बेसिकली मैंने यूज नहीं किया है अभी तक, सो आई कांट गिव यू द रिव्यू, बट ये बेसिकली आई जो हम लोग का डार्क सर्कल्स होता है या पफिनेस होता है, आई लिफ्ट एंड कॉन्टोर, ये ऐसा दिखता है बेसिकली। एंड मैंने अभी तक यूज नहीं किया ऐसे मैं कुछ बोल नहीं सकती। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस आउट क्योंकि मेरे को भी सोते सोते लेट हो जाता है, डार्क सर्कल्स होते रहते हैं, सो आई थॉट आई विल यूज दिस। सो मैं यूज करके आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। एक मैंने गुची से लिपस्टिक लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। सो दिस इज बेसिकली द लिपस्टिक, ओ माई गॉड द पैकेजिंग इज सो अमेजिंग गाइज, आप देख सकते हो। सो द शेड इज बेसिकली एकदम मॉविश जो शेड है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। This is the shade guys and it's full matte finish and I have already used it, so मेरे को पता है the lipstick is really amazing and it lasts also काफ़ी time तक, so it's really nice. So मैंने एक ये किया है, गुची से लिया है। मैंने लिया है एक बेटर देन लव टू फेस का मस्कारा बिकॉज मेरा मस्कारा ऑलरेडी ओवर हो रहा था और मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ एकदम छोटा सा ट्रैवल पैक है, सो अब मैं शिफ्ट करूंगी इसमें बेसिकली। सो दिस इज द मस्कारा विच आई गॉट, इसके बारे में मैंने बहुत हाइप सुना था टू फेस का, इसलिए मैंने एक मस्कारा लिया इसका। फिर मैंने आवर ग्लास से एक प्राइमर लिया था विच इज़ अ वेरी गुड प्राइमर, वेल बोल के है एंड मैं ऑलरेडी यूज़ करी थी तो मैं दिखाना भूल गई थी, तो इसलिए फिर मैंने बाद में क्लिप अटैच किया। तो ये बेसिकली मैंने सेफोरा से फर्स्ट डे जो पागल होकर मैं शॉपिंग की थी वो की। ये एक सुवेनियर के हिसाब से लाइक एक पेन भी लिया है दुबई लिखा हुआ, सो दिस इज द पेन। एंड सेम शॉप से मैंने एक बॉटल भी लिया 500 ml का, दुबई लिखा हुआ। एंड उसके बाद मैं गई थी शार्लेट टिलबरी, ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आई एम श्योर आप लोग सभी को जानते होंगे। सो ये भी यहाँ से भी मैंने एक लिपस्टिक लिया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ द शेड। The lipstick is also again amazing, packaging is beautiful and इसका जो शेड है ये बेसिकली पिंकिश रेडिश शेड है, ऐसा शेड है। मैं थोड़ा सा इसको स्मच करके दिखाती हूँ, सो दिस इज द शेड बेसिकली।
सो बहुत ही अच्छा है एंड शार्लेट टिल्बरी का लिपस्टिक आई रियली लाइक यूजिंग इट. ये भी मैंने यूज कर लिया है. उसके बाद हम लोग एक कैफे गए थे, फॉर एवर रोज कैफे. तो वहाँ से मुझे और सौरभ को, दोनों को, उन लोग जो सैनिटाइजर दे रहे थे वी रियली लाइक थे. सो मैं सोची कि हम लोग भी अपने घर के लिए ले लेते हैं. सो बेसिकली ये एक सैनिटाइजर है फॉर एवर रोज कैफे का ही. सो ये वाला मैंने एक लिया है. उसके बाद हम लोग गए थे मीना बाजार, जो कि बहुत ही फेमस है फॉर पाकिस्तानी सूट्स. फॉर इंडियंस हम लोग यहाँ पे नहीं मिलते, इसलिए जब मैं दुबई गई मैं सोची के रखी थी, क्योंकि उसके बाद पूजा जाने वाला था. सो मैं सोची थी कुछ इंडियन लूंगी वहाँ से. सो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है. उधर में ही हम लोग ने पीस खरीदा था एंड देन दे मेड इट. टेलर्स उन लोग के पास ही अवेलेबल होते हैं सब शॉप में मोस्टली, अगर आप रेडीमेड नहीं खरीद रहे हो. सो बेसिकली द सूट है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. ये स्ट्रेट पैंट्स है, ये प्लेन स्ट्रेट पैंट्स है. उसके बाद ये है गोल्डन लाइक कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा, सेल्फ वर्क किया हुआ. एंड द कुर्ती इज अमेजिंग गाइस. ये देखिए पूरा यहाँ पे काम किया गया है, आप देख सकते हो. मैंने ये पहना है, सो मेरे पास पिक्चर अगर होगा तो मैं अटैच कर दूंगी, बट बाकी का तो पिक्चर नहीं है गाइस. बट इट्स अ ब्यूटीफुल कुर्ती, आप देख सकते हो. मैं जैसे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठा रही हूँ तो आप इमेजिन कर पाओगे. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कलर, पर्पल कलर इज रियली इन. सो इट्स वन ऑफ द कुर्तीज. बेसिकली अनारकली लैवेंडर कलर में है. मैं आपको प्लास्टिक से खोल के दिखाती हूँ. एक्चुअली मैंने अभी तक नहीं खोला है. सो अगेन दिस इज अ रेडीमेड, ये मैंने वहाँ से बनाया नहीं है, ये वहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड था. सो ये मैंने एक चिकन करी कम वर्क, आप देख सकते हो, चुमकी चिकनकारी मुकेश वर्क जो बोलते हैं. एग्जैक्टली मुकेश वर्क नहीं, इसलिए मैं मुकेश वर्क नहीं यूज़ करी थी, बट दिस इज द पीस. बेसिकली ऐसा डिज़ाइन है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कलर, पूरा ऐसे अनारकली है बेसिकली. कैमरा में उतना नहीं अच्छा आ रहा है कलर, बट इट्स एग्जैक्टली लैवेंडर कलर. एंड उसके साथ ऐसा पैंट्स, डिटेलिंग है पैंट्स में नीचे. एंड द दुपट्टा इज प्लेन, मतलब ये इनर है एंड द दुपट्टा इज ऑल्सो लाइक दिस. ऐसा ठीक है. तो ये हो गया दूसरा. ये है तीसरा सूट, ये भी मैंने पूजा में पहन लिया है. फर्स्ट वाला जो पर्पल, वो भी मैंने पूजा में पहन लिया था, एक इन्विटेशन भी था मेरा. सो ये है एक और पीस. सो ये बेसिकली डीप ब्लू कलर में है गाइस, ऐसा दिखता है द पीस. एंड नीचे ऐसा वर्क है. सो इट्स अ गॉर्जियस पीस, आप देख सकते हो पूरा ऐसा काम किया हुआ. एंड इसके साथ आपका नीचे जो ऐसे ही प्लेन नॉर्मल पैंट्स है, स्ट्रेट पैंट्स, एंड इसका साथ ये दुपट्टा है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, ये भी रेडीमेड था. एंड दूसरा जो मैंने पीस लिया है वो गाइस मैं और खोल नहीं रही हूँ आपको, बट यहाँ से पता चल जाएगा. बेसिकली दिस इज द पीस, डीप ब्लू कलर एंड रेड वर्क किया हुआ. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राइडल पीस आप बोल सकते हो. सो अगर आपका किसी फ्रेंड का शादी है या ऐसा कुछ, आप कंसिडर कर सकते हो. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज मेड. सो ये है बेसिकली द पीस. सो मैंने यही कुछ पाकिस्तानी सूट लिया है फ्रॉम देयर. कुछ दो रेडीमेड था, वो लैवेंडर कलर और ब्लू कलर. बाकी दो जो था वो मैंने वहीं पर बना लिया उन्हीं लोग का टेलर से. गाइज ये वीडियो अगेन काफ़ी लॉन्ग हो गया है. सो मैं सोचूँ इसको पार्ट वन एंड पार्ट टू में कर दूँ, लाइक सिंगापुर शॉपिंग हॉल वीडियो. उससे आप लोग भी बोर नहीं होंगे एंड ये वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं लगेगा. सो ये वाला जो था ये पार्ट वन था गाइज. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मालूम है क्या करना है, डू हिट द लाइक बटन, थम्स अप बटन जरूर प्रेस करें, कमेंट्स में बताएं कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करें विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जी, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो कि है प्रियाशा बोस. ऑल्सो गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव हूँ. सारा सब कुछ जो जो मैं यूज़ करती हूँ, प्रोडक्ट्स, सलवार कमीजेज वगैरह या ड्रेसेस जो भी मैं पहनती हूँ, मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ इंस्टाग्राम में. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड पार्ट टू लेके नेक्स्ट वीक आऊँगी, और पार्ट टू में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. सो बने रहिएगा गाइज. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में. टिल देन एज आई ऑलवेज से, स्टे हैप्पी, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पार्ट टू में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.